रहे, वहाँ पर एक तरह से पहुंच चुके हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह है आर्यनंद, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मदुरई एयरपोर्ट से लेकर के प्राइमरीली जो मदुरई के बिल्कुल बीचों बीच जो माँ मीनाक्षी का जो मंदिर ये टेम्पल है यहाँ पे पहुंचे, तो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का ये रूट है और दोनों ही तरफ देखिए कि भारी संख्या के अंदर, काफी भारी संख्या के अंदर लोग वहाँ पे पहुंचे हैं। कई लोगों ने पीएम अरुण, हम परंपरागत तरीके से परिधान में भी प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक उस परंपरा के निर्वहन के तौर पर भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस वक्त तमिलनाडु में है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, तो यहाँ पर जो एक परंपरागत वेशभूषा है उसमें प्रधानमंत्री को हम इस वक्त देख पा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं अरुण इस बात को? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग एक तरह से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमिलनाडु में है, मदुरई के अंदर है, तो वहाँ की जो वेशभूषा है, जो परंपरागत तरीके से लोग वहाँ पे जो वेशभूषा पहनते हैं, उसी लिबास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुंचे हैं। इस बात को हम जानते हैं कि मदुरई एयरपोर्ट से लेकर के आरेंद्र जो माँ मीनाक्षी का जो मंदिर है मदुरई सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में, लगभग 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच पड़ता है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से लेकर के मंदिर तक पहुंचा है तो दोनों तरफ सड़कों के भारी संख्या के अंदर लोगों का एक तरह से भीड़ उमड़ पड़ी और कई हुजूम एक तरह से लोगों का देखने को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से जब मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो लोगों का उत्साह भी एक तरह से बढ़ता जा रहा था, लोग प्रधानमंत्री को वहां देख करके काफी ज्यादा उत्साहित हुए। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पर मीनाक्षी टेम्पल के अंदर पहुंच चुके हैं और मीनाक्षी मंदिर की जो खासियत है कि माँ पार्वती का ये मंदिर माना जाता है और मदुरई जो शहर है, मदुरई सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में ये टेम्पल है, हम अमूमन इस बात को कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मात। वैसे अगर आप डाउन साउथ जाते हैं कि बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाते तो मीनाक्षी माता के रूप में माँ शक्ति विराजमान है, तो उन्हीं माँ शक्ति के दर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरई के अंदर पहुंचे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया आर्यनंद, के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जो माँ अम्बे हो या माँ शक्ति हो उनके दर पर जाते रहे हैं। अभी हाल ही में जब उनका बांग्लादेश का भी दौरा हुआ था तो जो जो माँ जोशेश्वरी जो माता जी है उनके भी दर पर वो गए थे। कहा जाता है कि जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से जो एक शक्तिपीठ है वो वहां पे मानी जाती है। अरुण, हम तस्वीरों में ये भी देख पा रहे हैं कि माँ मीनाक्षी मंदिर के दर पे प्रधानमंत्री नंगे पांव पहुंचे और ये भी अपने आप में एक आस्था से जुड़े हुए तस्वीरों के तौर पर। बिल्कुल, माँ मीनाक्षी मंदिर की खास बात यह है कि बहुत बड़ा रिलीजियस हब माना जाता है, रिलीजियस टूरिज्म के लिहाज से मीनाक्षी टेम्पल माना जाता है। और साउथ इंडिया की अगर बात करें यानी कि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़े और भव्य मंदिर के रूप में मीनाक्षी मंदिर को माना जाता है। केवल भारत से ही लोग नहीं पहुंचते वहां पर लेकिन कई दुनिया के अन्य हिस्सों से भी लोग मीनाक्षी टेम्पल में आना पसंद करते हैं और पहली पसंद माना जाता है। जहाँ तक मदुरई की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, एक तरह से कोस्टल बेल्ट का भी इलाका है, जहाँ तक तमिलनाडु की बात करें और मदुरई की अगर जहाँ तक खासतौर पर बात करें तो एक रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर ये हब विकसित होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप पिछले 6-6.5 साल के अंदर देखेंगे आर्यनंद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात पर फोकस किया है कि कैसे टूरिज्म को बढ़ावा दिया सके और खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। अगर मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो आप इस बात को जानकर के हैरान हो जाएंगे कि इस समय पर आप अमूमन ऑन एन एवरेज समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर लगभग जो डेली जो श्रद्धालु आते हैं उनकी तादाद यहाँ पर आप कह सकते 15,000 से 25,000 के आसपास की इनकी तादाद रहती है। यहाँ पे जब फेस्टिवल होता है ना कि जो मीनाक्षी टेम्पल में जो एक फेमस मीनाक्षी तिरुकलायानम फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, जो कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है, जो कि 10 दिन चलता है, इसमें लगभग 10 लाख से 15 लाख लोग इस मीनाक्षी टेम्पल में आते हैं। और केवल भारत से नहीं, जो NRIs होते हैं जो कि तमिलनाडु से या सदर्न साइड से या फिर भारत के अन्य देश के जो NRIs है जो कि दूसरे देशों में बसे हैं वो भी इस मंदिर में आना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मंदिर जिस तरह से भव्य मंदिर है माँ पार्वती या फिर माँ मीनाक्षी की अगर बात करें और उनके दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आते हैं तो रिलीजियस टूरिज्म की जैसे खास तौर पर हम बात मंदिर के बीचों बीच में जो एक तालाब जिसको स्थानीय भाषा में खुलम कहते हैं उसके पास से गुजरते हुए, निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक जगहों के इस प्रकार का जो कुंड होता है, तालाब होता है, खुलम होता है, वहाँ की भी बेहद मान्यता होती है और बेहद पवित्र जल के तौर पर भी माना जाता है। अरुण, बिल्कुल, मीनाक्षी टेम्पल के जो पॉन्ड की बात कर रहे हैं इसको पोर्था मराई कुलम कहते हैं या फिर गोल्डन लोटस पॉन्ड कहा
कहा जाता है, जो कि इस कॉम्प्लेक्स की खासियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से इस समय पर गुजरते हुए हमें दिखाई दिए हैं। अब फैक्ट ये है कि ये पॉन्ड या फिर जो 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 पानी का जो ये स्रोत है, यहाँ पर देखेंगे कि लोटस के आकार का, यानी कि कमल के आकार का इसको आकृति दी गई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है, कई सारे मायने हैं, क्योंकि माँ मीनाक्षी का अपने आप में मतलब है कि मछली की आंखों की तरह, यानी कि मीन आंखों वाली, यानी मीन का मतलब अपने आप में मछली होता है और उनके नयनों के समान जो होती है, तो मीनाक्षी इस मंदिर को नाम लिया गया है। धार्मिक अरुण, ये तस्वीरें एक बार हम फिर से लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर परिसर से संभवतः बाहर आते हुए, और एक तरीके से ये मीनाक्षी मंदिर की सीधी तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की और माथा टेका माँ मीनाक्षी के दर पर। और अपने आप में ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जब वहाँ मंदिर पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ माँ के मीनाक्षी माँ के सामने अपना माथा टेका है, उनसे उन्हें नमन किया। और निश्चित तौर से इस वक्त उनके मन में यही भाव होगा, जिस प्रकार से देश दुनिया भर में एक प्रकार से महामारी का एक दौर चल रहा है, हर एक व्यक्ति तक को एक प्रकार से इस प्रकार से इससे मुक्ति मिल सके। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की जो एक भावना है, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, और वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण एक भाव के तौर पर प्रधानमंत्री को होगा। और निश्चित तौर से ये आरती का आचमन करते हुए ये अपने आप में एक शक्ति पुंज के तरीके से होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो आरती जलाई जाती है, वो अपने आप में उसमें एक ऊर्जा संचार अपने आप में होता है, और अगर आप उसको आरती लेते हैं तो निश्चित तौर से वो ऊर्जा आपके शरीर तक भी पहुंचती है, और यही ऊर्जा आपको बेहतर सोचने, बेहतर काम करने और बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। तो निश्चित तौर से इस प्रकार से जो आध्यात्मिक इस प्रकार के जो जगहें होती हैं, जो शक्तिपीठ होती हैं, वहाँ की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा संचय के तौर पर भी इस प्रकार के मंदिरों और मठों को जाना जाता है। जहाँ पर जो व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर से उस ऊर्जा जो वहाँ संचित है, जो एक तरीके से आध्यात्म की ऊर्जा है, वो व्यक्ति विशेष तक पहुंचती है, और वो उस व्यक्ति विशेष को इस प्रकार से फायदेमंद होती है कि वो बेहतरी से फैसला कर सकता है, बेहतरी से निर्णय कर सकता है और बेहतरी से काम को अपने अंजाम दे सकता है। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के मन में यही एक भाव रहा होगा, किस तरह से वो देश दुनिया की उन्नति और तरक्की के लिए बेहतर काम कर सकें, देश भर में जिस प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए त्वरित तरीके से फैसले ले सकें, और ये जो फैसले हों वो सबके लिए बेहतर हों, सबके लिए हितकारी हों। और फिलहाल यहाँ पर जो एक स्थापत्य की बात हम लगातार कर रहे थे, जो बहुत पुरानी स्थापत्य कला है, 17वीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ ये दक्षिण स्थापत्य कला का मंदिर, वहाँ पर जो नक्काशी है, जो उकेरी गई वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में संभवतः जानकारी हासिल करते हुए, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की एक कोशिश होती है कि जहाँ कहीं भी वो जाएं वहाँ की विशेषताओं के बारे में वो जानकारी हासिल करें। और संभवतः यहाँ पर इस वक्त जो ये एक पूरा मंडप के तौर पर दिख रही है, पूरी एक आकृति है, वहाँ पे तमाम जो जो लेख लगे हुए हैं, उसके अलावा जिस प्रकार से वहाँ पे स्तंभ हैं, उनके ऊपर जो उकेरी गई प्रतिमाएं हैं, वो भगवान से जुड़ी हुई, उनके बारे में तमाम प्रकार की कथाएं होती हैं, उनकी बारीक से बारीक जानकारी को हासिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुण, किस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री की हम इस खूबी को भी लगातार देखते हैं कि वो जानकारी हासिल करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है। बिल्कुल आरिंद, इस समय पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन स्कल्पचर्स को देख रहे हैं, इनको हॉल ऑफ 1000 पिलर्स कहा जाता है, और माँ मीनाक्षी के इस मंदिर की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि 33,000 जो स्कल्पचर्स हैं वो इस मंदिर में मौजूद हैं। और हर पिलर की बात करें, हर पिलर के अंदर अपने आप में कहानी है, अपने आप में एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर है, जो कि एक कहानी को बयां करता है, चाहे वो शिव से जुड़ी हुई हो, चाहे सती से जुड़ी हुई हो, या पार्वती से जुड़ी हुई हो, या विष्णु से जुड़ी हुई। तो इन तमाम जो पौराणिक कथाएं हैं उनको अपने आप में विस्तार से इन 33,000 स्कल्पचर्स के माध्यम से बताया गया है। ये वही स्कल्पचर्स है जिसमें भगवान नटराज की भी जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर बनाया गया है, और हम जानते हैं कि कई बार रेनोवेट भी इसको हाल ही में किया गया है, जहां तक माँ मीनाक्षी के टेम्पल की बात की जाए तो। लेकिन ये स्कल्पचर्स अपने आप में बेहद खास माने जाते हैं। और जो हॉल ऑफ 1000 पिलर्स, क्योंकि आपने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चीज का जायजा ले रहे हैं, जिज्ञासावश जानने की कोशिश के क्या है, तो ये हॉल ऑफ स्कल्पचर्स है, प्राइमरीली हॉल ऑफ 1000 पिलर्स है जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल करते हुए इस तरह कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो वो अनुमान तो यही कहता है कि जो कोविड महामारी से जो पूरी दुनिया जूझ रही है, शायद उसी को पार पाने की उन्होंने बात कही होगी। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो यही विचारधारा शायद उनके मन में रही कि शक्ति
पति के रूप में माँ भारत के अंदर रहे, विराजमान रहे और एक तरह से भारत एक शक्ति के रूप में दुनिया भर के अंदर निकलता हुआ उभरता हुआ दिखाई दे इस कोविड महामारी के बाद में, यही शायद उनके मन में, उनके दिल में, उनके जहन में होगा। आरेंद्र बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि मंदिर के दो एक तरीके से भाग हैं, एक में माँ शक्ति के रूप में है तो वहाँ दूसरे भाग में भगवान शिव के रूप में है, तो संभवतः ये उस दूसरे भाग की तस्वीर है जहाँ पर भगवान शिव कई ना कई अलग प्रकार के रूपों में यहाँ मौजूद नज़र आ रहे हैं। और निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि मदुरई जो कि माँ मीनाक्षी का मंदिर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, बड़ी संख्या में लोग हमेशा हर साल यहाँ आते रहते हैं और चैत्र मास में एक वार्षिक उत्सव के तौर पे जो सालाना उत्सव होता है उसकी शुरुआत होती है और वहाँ से भी अपने आप में कई प्रकार के उत्सवों का पूरा साल भर चलने वाला एक सिलसिले की शुरुआत होती है। तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। प्रधानमंत्री इस वक्त मदुरई के मीनाक्षी मंदिर पहुँचे हुए हैं और माँ के दरबार में एक तरीके से वो शीश नवाने के लिए पहुँचे हुए हैं और शक्ति के संचय के, शक्ति के उपासक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर तमाम मौक़ों पर अगर बात की जाए तो वो तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में भी कहीं कहीं मौका तलाश लेते हैं अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं के आधार पर किस प्रकार से उनका झुकाव लगाव है, निश्चित तौर से वो पहुंचते हैं और अपना पूजा अर्चना और जो आध्यात्मिक परंपरागत के तौर पे जो एक विश्वास का जो एक मौका होता है उसके बारे में वो अपना कोई मौका छोड़ते नहीं और ये यहाँ पे एक विशाल स्तंभ जिसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए निश्चित तौर से सोने की चमक सा चमकता हुआ स्तंभ अपने आप में बेहद पौराणिक और उसको किस प्रकार से खूबसूरती से सजाया गया है वो भी अपने आप में दर्शाता है। और एक भारतीय परंपरा के अनुसार निश्चित तौर से जब हम कहीं जाते हैं किसी ऐसे धार्मिक जगहों पर तो एक दान की परंपरा भी होती है, संभवतः प्रधानमंत्री ने दान पात्र में अपने ओर से श्रद्धानुसार दान दिया है तो निश्चित तौर से ये भी एक भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा जाए तो एक परंपरा के तौर पर होता है, एक परिपाटी के तौर पर होता है कि जब आप किसी मंदिर या इस प्रकार के स्थल पर जाते हैं तो वहां पर दान करते हैं और ये जो दान में दी गई राशि हो या किसी भी प्रकार का सामान हो वो निश्चित तौर से उस मंदिर के रखरखाव से लेकर उस आसपास से जुड़े हुए जो तमाम जो सामाजिक कार्य चल रहे होते हैं उन कामों में आता है। तो निश्चित तौर से कोई व्यक्ति जब इस प्रकार का दान देता है तो वो भी एक सामाजिक कार्य में ही कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदुरई मंदिर के मदुरई में माँ मीनाक्षी के मंदिर में उस स्तंभ के बारे में जानकारी हासिल करते हुए जहां के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं कहा जाए लगातार बनी हुई हैं जिसके बारे में देश दुनिया में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, माथा झुकाते हैं। अरुण, किस तरीके से देखा जाए तमाम धार्मिक मान्यताओं के आधार पर प्रधानमंत्री मौका नहीं छोड़ते और मैं देखा कि उन्होंने भी दान पात्र में कुछ अपनी ओर से श्रद्धानुसार दान किया। बिल्कुल, श्रद्धा अनुसार उन्होंने दान किया और इस समय पर वो लगातार जो मंदिर की जो अथॉरिटीज है, ट्रस्टीज है, उनसे इंटरेक्ट करते हुए समझते हुए मंदिर की खासियत, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भगवान सुंदरेश्वर जी का मंदिर है, यानी कि शिव के रूप में भगवान सुंदरेश्वर है, उनका मंदिर है यहाँ पर। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर दर्शन करके बाहर निकलते हुए, यहाँ भगवान शिव एक लिंग के रूप में विराजमान है और ये माना जाता है कि भगवान सुंदरेश्वर मंदिर जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी निकले हैं और जिस जगह का वो जायजा रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल वहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं वो माँ मीनाक्षी और जब भगवान सुंदरेश्वर का जो विवाह हुआ था उस विवाह की तस्वीरों को वहाँ पे डिपिक्ट किया गया, वहाँ पे एक तरह से स्कल्पचर्स के माध्यम से बताया गया है। लगभग माना जाता है कि 985 के आसपास पिलर्स यहाँ पर जो डेडिकेटेड है वो इस एक तरह से भगवान सुंदरेश्वर और माँ मीनाक्षी, इनका जब विवाह हुआ था, विवाह से पहले कैसे विष्णु जी ने माँ मीनाक्षी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दिया था या फिर भगवान सुंदरेश्वर के हाथों में दिया था, इन इन पूरी कथाओं को यहाँ पे काफी खूबसूरती के साथ इनका वर्णन किया गया है। और वही भगवान सुंदरेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद में जो कि एक लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है, वहां से जब बाहर आए हैं तो तमाम जो स्कल्पचर्स है, क्योंकि बीच में हमने देखा कि जो गोल्ड प्लेटेड जो जो पिलर है वहां पर, उसमें भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस विवाह का वर्णन किया गया है। तो किस तरह से भगवान सुंदरेश्वर जो कि शिव का एक रूप है और माँ मीनाक्षी जो कि पार्वती का एक रूप है, उनके विवाह की जो तमाम जो झलकियां रही थी उस समय पर, जो भी हाइलाइट्स रहे थे, उनको इस पिलर के माध्यम से बताया गया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे हम लोग अपनी जो पौराणिक जो या फिर हमारा जो कल्चर है, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की जो स्पॉट्स हैं उनको कैसे कंजर्व और उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सके। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हम इस बात को जानते कि गुजरात के अंदर कई सारी ऐसी जगह है, कई सारी
ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको प्रिजर्व करने में, उनको अपग्रेड करने में, उनको कंजर्व करने में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अभी भी हमने देखा कि पिछले 6-6.5 सालों के अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में विश्वास रखते हैं, यानी कि साउथ के मंदिर में, सदर्न साइड में जो टेम्पल्स हैं वो किस तरह से इनको प्रिजर्व कर रहे हैं, किस तरह से इनका रिस्टोरेशन का काम होता है, कैसे मंदिर जो एक मंदिर है जो लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, जो कि रेनोवेट हुआ है, जो बीच में कैसे टूटा भी था, जिसको बाद में रेनोवेट भी किया गया था, रिकंस्ट्रक्शन भी मंदिर का हुआ था, तो कैसे इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है और कैसे यहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है प्राइमरीली वेस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड या नॉर्थन साइड के हमारे देश के अंदर उनको लागू किया जा सके, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा किया जा सके जिससे कि रिलीजियस टूरिज्म या फिर रिलीजियस स्पॉट्स हमारे जो देश के अंदर है उनको अपग्रेडेड और मॉडर्नाइज रखा जा सके, इन तमाम चीजों पर फोकस है। तो एक तरफ तो श्रद्धा या यूं कहिए कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सराबोर हो रहे हैं अध्यात्म के इस जर्नी के अंदर, अध्यात्म के इस सफर के अंदर, दूसरी तरफ वो इस बात को भी समझ रहे हैं, इस बात को भी जान रहे हैं कि क्या कुछ खासियत है इस मंदिर की, जहां तक मां मीनाक्षी के इस मंदिर की बात की जाए तो। आर्यन बिल्कुल एक आध्यात्मिक यात्रा के तौर पर कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा, जहां पर मां मीनाक्षी के दर में वो पहुंचे हैं। मां मीनाक्षी के बारे में पौराणिक हिंदू कथाओं के आधार पर साफ तौर पर कहा जाता है कि वो माँ पार्वती का अवतार थी, शक्ति का अवतार थी, और खुद भगवान शिव में एक तरीके से उनसे विवाह रचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, और खुद भगवान विष्णु यहाँ पर उनके इस विवाह के संचालन के लिए आए थे। तो अपने आप में इन तमाम जो घटनाक्रम रहा था, उस घटनाक्रम को यहाँ पर जो लगभग 950 स्तंभ हैं उन पर उकेरा गया है, और उन उकेरे हुए स्तंभों को, जिनका स्थापना के बारे में माना जाता है 17वीं शताब्दी में इनकी स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर अभी तक बहुत ही करीने के साथ में, बहुत ही बारीकी के साथ में इनको सहेजा गया है। तो भारतीय आध्यात्मिक परम्परा की एक उत्कृष्ट मिसाल के तौर पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की शैली के तौर पर अपने आप में सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक मंदिर के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री पहुँचे हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद में, जो विजिटर बुक है वहाँ की, जो वहाँ पे एक विजिटर बुक रखी है, वहाँ पे संभवतः वो अपनी मन के भाव भी वहाँ पर प्रकट करेंगे, और यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी ओर से प्रधानमंत्री को अंग वस्त्र समर्पित करते हुए, और इन अंग वस्त्रों के माध्यम से एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये आशीर्वाद के तौर पे होता है, जो आशीर्वाद यहाँ की जो पूरी एक परंपरा है, जो यहाँ पर एक आस्था का केंद्र है, वहाँ के माध्यम से यहाँ पे जो शक्ति संचेत होती है वो एक आस्था के तौर पर यहाँ देखने को मिलती है। और प्रधानमंत्री को जब ये अंग वस्त्र सौंपा गया है तो निश्चित तौर से एक प्रसाद के तौर पर उसको प्रधानमंत्री ने धारण किया है, और विजिटर बुक यानी कि आगंतुक पुस्तिका में अब प्रधानमंत्री अपने भाव यहाँ पर रखेंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा के बाद में प्रधानमंत्री के मन में जो भाव होंगे उसके बारे में अपनी बात वो यहाँ पर लिखते हुए नजर आएंगे। और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के इस आध्यात्मिक यात्रा के जो भाव होंगे वो संभवतः यहाँ पर इस पुस्तिका में हमको नजर भी आएंगे बाद में। बिल्कुल, जिस तरह से अध्यात्म की इस यात्रा में सराबोर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने भाव इसमें जरूर रखे होंगे। लेकिन हाँ, मंदिर प्रशासन ने जिस तरह से आपने बताया कि अंग वस्त्र उनको भेंट किए हैं, इसके साथ में एक किताब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की है। ये किताब काफी खास है क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जो भी इस मंदिर में आता है दर्शन करने के लिए वो इस किताब को जरूर देखता है, इसको पढ़ता है, इसको लेना जरूर चाहता है, क्योंकि इस किताब के अंदर आप देखेंगे कि जो तमाम मंदिरों के बारे में जानकारी दी गई, यानी कि शुरुआत से लेकर इसके इतिहास के बारे में जितनी खास बात थी वो इस किताब के अंदर लिखी हुई है। हम अमूमन देखते हैं कि मंदिरों के बाहर, यानी कोई भी मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो इस देश के अंदर, उसके बाहर उस जगह की किताबें जरूर मिलती है जिसमें उसके इतिहास को बताया जाता है। अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको कई सारी किताबें मिलेंगी जो कि प्राइमरीली दर्शाती है कि आखिरकार क्या कुछ कहानी है माँ वैष्णो देवी की। उसी प्रकार से जब हम डाउन साउथ माँ मीनाक्षी के दर पर आते हैं, माँ मीनाक्षी के मंदिर में जाते हैं, तो जो किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ की जो मंदिर की अथॉरिटीज ने भेंट की है उसमें जाहिर सी बात है कि वो तमाम जानकारियां मौजूद है मां मीनाक्षी के टेंपल को लेकर के। और हमने आनंद इस बात को भी देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजिकल बुक्स या फिजिकल रीडिंग के बजाय डिजिटल अपग्रेडेशन ज्यादा पसंद करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पिछले 6-6.5 साल के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि जो रिलीजियस टूरिज्म है उन डेटा को अपग्रेड करके टेक्नोलॉजिकली उसको स्टोर किया जा सके, डिजिटली उसको कंटेंट को स्टोर किया जा सके। कोविड पैंडेमिक के टाइम भी हमने देखा कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर रहा था कि अरुण एक बार फिर से हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पवित्र सरोवर जिसको पुष्करिणी कहा जाता है मीनाक्षी मंदिर के बीच में बना हुआ है, उसके पास इस वक्त एक तरीके से प्रधानमंत्री मौजूद है और यहाँ से जो मंदिर की भव्यता का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसकी जो ऊंचाई दिखाई पड़ रही है, आसमान तक गगनचुंबी इमारत के तौर पर जो माँ मीनाक्षी के मंदिर दिखाई पड़ रहा है, उसकी भी अपने आप में शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से माँ का एक तरीके से आशीर्वाद लोगों को दूर दूर तक मिल सके, उस लिहाज से ये एक ऊंचाई दिखाई पड़ती है। और निश्चित तौर से ये वो स्थान जो सरोवर के पास में, जहाँ से एक प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ मौजूद है और उनके मन में निश्चित तौर से सर्वे भवंतु की कामना के साथ इस वक्त वो मंदिर में आस्था के केंद्र में यहाँ पहुँचे होंगे। और ये सरोवर भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी भी तमाम प्रकार की आध्यात्मिक और पौराणिक परंपराएं लगातार हमने देखने और सुनने को मिलती रही। अरुण अपनी बात पूरी रखें। बिल्कुल, मीनाक्षी टेम्पल का जो गोल्डन लोटस टैंक है, इसकी खास बात यह है कि इसको हाल ही में इसको एक तरह से अपग्रेड किया गया, जिसको कहते हैं कि इसको फेसलिफ्ट मिला है, इसको अपग्रेड भी किया गया हाल ही के अंदर। इसमें जो सरोवर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हाल ही में एक तरह से 70 लाख रुपए की लागत के बाद में इसको एक तरह से अपग्रेड किया गया था लॉकडाउन के ठीक बाद में। अब ये जो टैंक की अगर बात की जाए, ये 200 फीट बाय 148 फीट का इसका डायमेंशन है। और इसकी खास बात यह कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, ये उसका सीधा सारा एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। अभी हम जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम शुरू की थी, जो वाटर डे जब हुआ था उसमें उन्होंने इस बात की अपील की थी कि कैसे देश के अंदर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा सके जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके। उस लिहाज से ये जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसको हम लोटस टैंक कहते हैं मीनाक्षी टेम्पल के अंदर, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में काफी ज्यादा सक्षम है। और इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब मान लीजिए कि अगर इसी तरह के जो रिलीजियस जो स्पॉट्स हैं हमारे देश के अंदर, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की दिशा के अंदर अगर मंदिर परिसर के अंदर ही इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे देश के अंदर जो पानी के संरक्षण की जो बात कही जा रही है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो लोटस टेम्पल है, जिसको अभी पोस्ट कोविड यानी कि कोविड लॉकडाउन के बाद में इसका जो फेसलिफ्ट किया गया है 70 लाख रुपए की लागत से, तो इसको एक तरह सेल्फी पॉइंट या फिर फोटोग्राफ पॉइंट के तौर पर भी यहाँ पे विकसित किया गया है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है, जो भी पर्यटक यहाँ पर आता है, वो यहाँ से अपनी फोटोग्राफ ले सकता है। और खास बात इस पॉइंट की है कि यहाँ से पूरा का पूरा मंदिर, चाहे सुंदरेश्वर भगवान यानी कि भगवान शिव का मंदिर हो या माँ मीनाक्षी का मंदिर हो, यहाँ से पूरा आपको मंदिर दिखाई देता है, पूरा मंदिर परिसर दिखाई देता है और साथ ही साथ जो लोटस जो टैंक है वो भी आपको दिखाई देता है। और यही वजह है कि इसको अब सेल्फी पॉइंट या फिर फोटो पॉइंट के तौर पर विकसित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस मंदिर की यह है कि जैसे हम जानते हैं कि पहले के समय में लोग पानी का संरक्षण ऐसे ही किया करते थे, हार्वेस्टिंग पॉइंट्स को क्रिएट करके, वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज होते चले गए, इस तरह की तकनीक को हम लोग भूलते चले गए कि कैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह के जो मंदिर जो कि काफी पुराने हैं, काफी पौराणिक हमारे देश के अंदर मंदिर हैं, ऐसे एक नहीं दर्जनों और कई सारे मंदिर ऐसे हैं जो कि आज भी वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी को संरक्षण इसका करते हैं। ऐसे में मीनाक्षी टेम्पल का नाम है, मीनाक्षी मंदिर का नाम इसमें काफी प्रमुखता से शुमार है, क्योंकि ये वो हार्वेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें अगर पानी आता है तो पानी का आप संरक्षण कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मंदिर की जो जरूरतें होती है पानी के लिहाज से उसको यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर ये उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको हम लोटस टैंक कहते हैं मीनाक्षी मंदिर के प्रांगण के अंदर। बिल्कुल, और ये शायद इसीलिए प्रधानमंत्री अक्सर मौकों पर इस बात को कहते हुए नहीं भूलते हैं कि कैसे हमारी जो समृद्ध विरासत है उसमें ही हमारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है, जिसका जिक्र अरुण आप कर रहे हैं। कैच द रेन भले ही आज शुरू किया गया हो, लेकिन ये अपने आप में बताता है कि हमारी समृद्ध विरासत में वो सारे समाधान भी छुपे हुए। प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर से बाहर आ गए और बाहर तमाम जो मौजूद लोग हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनके अभिवादन का वो जवाब देते हुए, और मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री तरीके से अभिवादन करते हुए निश्चित तौर से ये वो धन्यवाद देते हुए, और माँ मीनाक्षी के दर्शन कराने में इन लोगों ने एक तरीके से भूमिका अदा की और प्रधानमंत्री की इस आध्यात्मिक यात्रा का बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव तमिलनाडु का मदुरई शहर, जहां पे माँ मीनाक्षी का मंदिर अपने आप में माँ पार्वती के रूप के तौर पे उनको माना जाता है और माँ शक्ति के रूप में उनके इस मंदिर की पूजा अर्चना होती रही और 17वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर की देश दुनिया भर में चर्चा होती है। अपने आप में दक्षिण स्थापित जो भारतीय स्थापत्य कला है उसकी एक तरीके से बेहद बहुत खूबसूरत तस्वीर के तौर पर यह पूरा मंदिर अपनी ऊँचाइयों के साथ में मौजूद है। देश दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर माँ के सामने शीश नमन करने के लिए और शक्ति के एक तरीके से प्रमुख केंद्र के तौर पर इस पूरे मंदिर को माना जाता है। स्थानीय
पौराणिक कथाओं के अनुसार में अगर बात की जाए तो जो माँ पार्वती हैं और वो भगवान शिव का